ओम शांति। अगर हमें इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ना है और जो पास्ट में कई जन्म के विकर्म पाप कर्म हमारे साथ चल रहे हैं, हमें बोझिल कर देते हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनसे मुक्त होने के लिए, उन सब की नेगेटिव एनर्जी को हल्का करने के लिए बाबा कहते हैं कि बच्चे पुण्य का खाता बढ़ाते चलो। और पुण्य का खाता सबसे तीव्रता से बढ़ता है मनसा सेवा से। इसलिए हर रोज मनसा सेवा करते चलो। तो एक छोटा सा अभ्यास हम सभी करेंगे, जब भी हम घर से बाहर निकलेंगे तो कोई ना कोई स्वमान धारण करके अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर के बाप दादा को अपने साथ कंबाइंड अनुभव करेंगे। घर से बाहर निकलने से पहले बाबा का आह्वान करेंगे कि बाबा आओ मेरे साथ कंबाइंड हो जाओ, मेरे द्वारा सबकी सेवा करो, मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट बना करके सबकी आशाएं पूरी करो, भटकती आत्माओं को मुक्ति दो और दूसरों को सबके कष्ट मिटा दो, प्रकृति को पवित्र कर दो, सबके मन को सुख चैन और शांति दो। तो ये अभ्यास है, मैं आत्मा परम पवित्र सर्व गुणों और शक्तियों से संपन्न परम धाम से इस शरीर में अवतरित हुई हूं। मैं सर्वशक्तिमान भगवान की संतान हूं। अब मैं जहां भी जा रही हूं वहां मेरे द्वारा मेरे पिता सबकी सेवा करेंगे। तो आवाहन कर दो, हे सृष्टि के पालनहार, जगत के स्वामी, सर्वशक्तिवान बाप दादा, अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ चलो, मुझे अपनी छत्र छाया में ले लो और सबकी सेवा करो मेरे द्वारा। तो मेरे आह्वान करते ही बाप दादा मेरे पास आ गए। देखे उनके संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को, मस्तक में सर्वशक्तिवान सी बाबा। बाप दादा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं महान आत्मा, देव कुल की सर्वश्रेष्ठ आत्मा, ब्राह्मण सो फरिश्ता, परमात्मा की सर्व शक्तियों से सुशोभित संपन्न ऑल माइटी को अपने साथ कंबाइंड अनुभव करके बाहर निकल रही हूं और चलते फिरते कुछ भी करते बाप दादा को अपने साथ कंबाइंड अनुभव करो। अपनी बुद्धि की आंख से उनके स्वरूप में मन को एकाग्र कर लो तो चारों तरफ आपसे सेवा होगी। जो भी जिस आस से भगवान को याद कर रहा है, जिसकी जो भी कोई भी शुद्ध इच्छा है, वो बाप दादा आपके द्वारा पूरी कर देंगे। आपको अनुभव भी नहीं होगा, लेकिन इस अभ्यास से हर सेकंड बहुत सारी सेवा बाप दादा हमसे करवाते हैं। इसलिए बुद्धि रूपी हाथ को
बाबा के हाथ में दे दो और निमित समझकर अपने श्रेष्ठ स्वमान को धारण करके मैं महान हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, सर्वशक्तियाँ मेरे द्वारा चारों तरफ फैल रही हैं और बाप दादा मेरे साथ कंबाइंड हैं, मेरी छत्र छाया है, मेरा हाथ पकड़कर चल रहे हैं, मेरा अंग अंग प्रकाश से चमक रहा है, मैं बिंदु रूप में बिंदु शिव बाबा को निहार रही हूँ, उनकी सर्वशक्तियाँ स्वयं में अनुभव कर रही हूँ। तो जहाँ भी आपके कदम पड़ेंगे, जो भी वायु आपको छुएगी, जहाँ भी आपकी दृष्टि पड़ेगी, वो धरती, वो आत्माएं, वो प्रकृति, वो जीव जंतु पावन होने लगेंगे, भटकती आत्माओं को मुक्ति मिलने लगेगी और जो शरीर में आत्माएं हैं उनकी आशाएं, सुख शांति की चाहना पूरी होने लगेगी। इसलिए इस थोड़े से समय में इस महापुण्य का वरदान प्राप्त कर लो तो जन्म जन्म तक आपके हाथ, आपका खजाना इतना भर जाएगा कि कोई भी कमी नहीं होगी। इसलिए इस पुण्य के खाते को बढ़ाते चलो तो इतना पुण्य आपकी झोली में आ जाएगा कि कोई भी पाप कर्म, किसी भी आत्मा की नेगेटिव एनर्जी, कोई भी बुरा समय आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और सबके लिए मन को पवित्र, स्वच्छ, निर्मल कर दो, दुआओं से, वरदानों से, शुभ भावनाओं से भर दो। तो जितना हमारा मन पवित्र होता है, सबके लिए शुभ भावना से भरपूर होता है, उतनी ही हमारी मनसा शक्ति प्रबल और शक्तिशाली होती है। ओम शांति।